कैंसर का डटकर मुकाबला करने वाली फहमीदा मिर्ज़ा कितने एजाजात अपने पास रखती हैं और कितनी अमीर हैं, आइए जानते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने के एजाज़ के बाद 2018 के आम इंतखाबात में मुसलसल 5वीं मरतबा खातून रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने का एजाज़ भी रखती हैं। वो एक ही हलके की जनरल नशिस्त से मुसलसल 5 बार इलेक्शन जीतने वाली पहली खातून भी है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1957 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया। वो 3 बार मुसलसल आम इंतखाबात में 2002, 1997 और 2008 में कामयाब हुई और बदीन से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेहसियत खातून रहनुमा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बाद अज़ां पीपल्स पार्टी क़यादत से इख्तलाफात के बायस उन्होंने जून 2018 में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक तोड़कर इंतखाबात में शिरकत के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में शमूलियत इख्तियार की और इसी प्लेटफार्म से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया और जनरल नशिस्त से कामयाबी भी हासिल की। बाद अज़ां डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कौमी असम्बली में अक्सरियती जमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत साजी में भी मुआवन का किरदार अदा किया और नई काबीना में वज़ीर बिराए बैनुल सूबाई राबते की जिम्मेदारी भी संभाली। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के शोहर डॉक्टर जुल्फकार अली मिर्ज़ा को कौन नहीं जानता, वो भी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे और वजारत के आला ओहदों पर फायज भी रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी क़यादत से इख्तलाफात के बायस जुल्फकार अली मिर्ज़ा ने किनारा कशी कर ली। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा पेशे के लिहाज से डॉक्टर, ज़री और कारोबारी माहिर हैं। फहमीदा मिर्ज़ा के वालिद काजी अब्दुल मजीद आबिद सिंध में कई वजारतों पर मुंतखब हुए। अपने सियासी कैरियर के दौरान डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा अलालत का भी शिकार हुई। उन्होंने कैंसर जैसे मूजी मर्ज का डटकर मुकाबला किया और कामयाबी हासिल की। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा 24,89,845 रुपये की असासों की मालिक हैं। वो रुकन कौमी असम्बली भी हैं। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.